नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, इंटरनेशनल्स अफेयर्स, नेशनल्स अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जी की सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, न्यूज अवेलेबल है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह RBI का एग्जाम्स हो, चाहे SBI को, चाहे IBPS का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे NTPC हो, या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता हो, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो या क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, टुडेज 4th of March 2021, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो जीके कलेक्शंस कर रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जीके की, राइट, उन सभी के लिए कुछ मैंने वीडियोज, कुछ मैंने पीडीएफ्स बनाए हैं ताकि उनकी एक हेल्प हो सके, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़े। ओके, तो एक मैंने टॉपिक बेस पर वैसे जैसे कि मंथ के एंड में वीडियो बनाता ही हूँ, राइट। सभी को मालूम है, मेरे रेगुलर जो सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होना चाहिए, मैं टॉपिक बेस पर वीडियो मंथ के एंड में बनाता ही हूँ, राइट। तो उसी प्रकार आपके बुक्स बेस पर कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, फरवरी मंथ जो कंप्लीट हुआ है उसकी कंप्लीट बुक्स, राइट, प्लस ऑथर और किसने इसको रिलीज किया है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। ओके, देख लीजिएगा, आपको कल का ही वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको जनवरी मंथ की पढ़ना हो तो जनवरी का भी अवेलेबल है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दिसंबर का चाहिए, दिसंबर का भी देख सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल अगर बुक बेस पर क्वेश्चंस बनता है तो यहीं से ही, मेरे वीडियो से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार जरूर वॉच करिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट है, जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। यह भी मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस, रेजिग्नेशंस के क्वेश्चंस, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और सभी टाइप के वन लाइनर भी हैं ताकि रिविजन्स भी करवाए। आप वीडियो को ईमानदारी से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, अच्छे से रखवा दूंगा। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, यानी कि फरवरी मंथ में कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है, उन सभी का एक साथ कलेक्शंस मैंने इस वीडियो में बनाया है। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाए हैं ये सारे वीडियो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल्स को आप एक बार अच्छे से विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, कंटेंट को देख लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, ये इम्पोर्टेंट डेज है। एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स, सेकंड थिंग इज आपके ऑब्विचरीज, राइट, सेकंड थिंग आपके अपॉइंटमेंट एंड फरवरी मंथ की इम्पोर्टेंट डेज। आज मैं आपके सामने ऑब्विचरी का वीडियो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा उसको भी। ओके, अगर देखिए आपको लास्ट 6 मंथ का चाहिए तो 6 मंथ के मैंने पीडीएफ बना रखे हैं, आप अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का एक कंप्लीट पीडीएफ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
एग्जाम्स में जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए थे, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, ये जो एग्जाम्स हुए थे इनमें एकदम डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिले, एकदम डिट्टो क्वेश्चंस जो मैंने बनाए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं करा। ये ऑबिचुरीज है जून से दिसंबर मंथ की, ये मार्च से दिसंबर मंथ की बुक्स है। कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, ये आपकी मार्च से दिसंबर मंथ की इम्पोर्टेंट डेज। कंप्लीट पीडीएफ है, एक बार जरूर जाइए, जरूर देखिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। ये मैंने कल एक होमवर्क क्वेश्चंस पूछा था, हु वन द गोल्ड मेडल्स एट द आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियंस रेसलर्स एट एंड कोचेज मेमोरियल्स टूर्नामेंट, राइट। जो आपकी यूक्रेन है, राइट, जो पहलवानों की, इट मीन्स जो एक तरह से कह सकते हैं जो रेसलर्स हैं, कोचेज मेमोरियल्स टूर्नामेंट हुआ था, राइट, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो वह जीती है, दैट इज द विनेश फोगाट, राइट। विनेश फोगाट है जिन्होंने आपकी यूक्रेनियंस रेस्लर्स एंड कोचेज मेमोरियल्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल्स जीता। ओके, विनेश फोगाट जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये दोनों आपके सिस्टर हैं, याद रखिएगा। ओके, और हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है। इज इट क्लियर, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करते चलिए। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डेज पे, यानी कि जो आजकल ये इम्पोर्टेंट डेज है, तो टूडेज माई डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 4th of March। 4th मार्च को आपके नेशनल सिक्योरिटी डेज के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, याद रखिएगा। कभी कभार इंग्लिश में पढ़ते हैं बट हिंदी में क्वेश्चन आता है तो याद नहीं रहता, राइट। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी डे इंग्लिश में, तो वह आपके बनाया जाता है 4 मार्च को। ओके, इट मीन्स जो पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस हैं, राइट, जो कमांडोज हैं, राइट, जो आपकी आर्मीज हैं, सेना है, उन जो अपने देश की अपनी सुरक्षा करती है, सिक्योरिटी प्रदान करती है, उन सभी के लिए यह दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं 4 मार्च को। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लेता है ये क्वेश्चंस। ओके, फरवरी मंथ का मैंने वीडियो दे चुका हूँ, अगर आपको रिवाइज करना हो तो जाके देख सकते हैं मेरा पर्टिकुलर वीडियो। एवरी डे मैं रिवाइज करते रहता हूँ, एवरी डे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर देखता है, उनको तो अच्छे से रट भी गया होगा। ओके, ये देख लीजिए फरवरी मंथ की इम्पोर्टेंट डेज, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में बताया था, राइट। अगर आपको जनवरी पढ़ना हो कि सर मेरे को तो जनवरी भी पढ़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, यानी कि जो ये फरवरी मंथ का वीडियो बनाया था ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी सभी के लिंक मैंने दे रखे हैं, जो मंथ का आपको पढ़ना हो उस मंथ का आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुक्स, माई डियर स्टूडेंट्स, टू डेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, दैट इज द अमेरिकन ड्रीमर्स इवन, राइट, जो बाइडन, राइट, जो बाइडन है जो कि एक अमेरिकन ड्रीमर के रूप में एक उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, राइट, जिस बायोग्राफी का नाम रखा है जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर, राइट। आपको यह नहीं पूछेगा किसके ऊपर बायोग्राफी है, क्योंकि नाम में ही पता चल गया कि जो बाइडन की है, क्योंकि पूछेगा तो एग्जामिनर यही पूछेगा जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर, राइट, कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो क्वेश्चंस डेफिनेटली भी नहीं बनेगा। आपको यह पूछ सकता है कि इसको किसने लिखा है, राइट, तो इसको लिखा है, दैट इज द इवान ओशनोस, राइट, इवान ओशनोस, इवान ओशनोस, जिन्होंने इस पुस्तक को, इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, जो कि नेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित है, नेशनल बुक अवार्ड भी जीत चुके हैं। ओके, जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर, उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी है, जिस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, दैट इज द इवान ओशनोस, क्लियर, याद रखिएगा। जो बाइडन की बात करें तो रिसेंट में 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के बेसिस पे कमला हैरिस,
कमला हैरिस है, जो कि उपराष्ट्रपति, पहली ऐसी महिला है, भारतीय महिला है जो कि अब की उपराष्ट्रपति के रूप में यूनाइटेड स्टेट में नियुक्त की गई है। ओके समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ये फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुक्स थी, राइट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही इनके बारे में डिटेल्स में बताया है, अगर आपको चाहिए तो कल का ही वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में बहुत सारे अच्छे लिंक भी मैंने दे रखे हैं, वह भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज धनीरा टंडन विथड्रॉज नॉमिनेशन एज ए बजट चीफ। कुछ ही दिनों पहले, राइट, पहले मैंने न्यूज भी डिस्कस की थी, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बनाया था, अगर आप रेगुलर देखते होंगे। इसीलिए कहते हैं जीके हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है, राइट। जीके हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से रिमाइंड होता चला जाएगा। तो नीरा टंडन, राइट, नीरा टंडन है जो पहले आपकी बजट, जो आपकी बजट की जो चीफ बनी थी, राइट, नीरा टंडन, राइट, अमेरिका में, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, जो बाइडेन जी की सरकार में एक बजट एडवाइजरी में चीफ बनी थी, माय डियर स्टूडेंट्स। देन उनको अब नॉमिनेशन से उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, विड्रॉल्स नॉमिनेशन एज बजट चीफ नीरा टंडन, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया, नाम याद रखिएगा, नीरा टंडन। रिसेंट में जो भी भारतवंशी है, जो भी इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉइंटेड हुए हैं इंडियंस कम्युनिटी से यूनाइटेड स्टेट में, राइट, बहुत सारे ऐसे पर्सन है। तो प्लीज़ सब चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी। ओके नेक्स्ट देखिए, मनप्रीत वोहरा, राइट, मनप्रीत वोहरा अपॉइंटेड हाई इंडिया हाई कमिश्नर्स टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। मनप्रीत वोहरा है जो कि आपकी हाई इंडिया के हाईस्ट कमिश्नर्स अपॉइंटेड हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके याद रखिएगा, मनप्रीत वोहरा नाम याद रखिएगा, कोई भी किसी भी चीज़ का अपॉइंटेड हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो, तो हमेशा ध्यान रखिए नेम और पर्टिकुलर कौन सी ऐसी संस्था है उनके बारे में। क्लियर, समझ में आया तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट, मैरी कॉम, राइट, मैरी कॉम आप सभी परिचित है, एक इंडियन बॉक्सर हैं जो कि आपके ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुकी है ओलंपिक में, राइट। तो उनको AIBA, राइट, AIBA के यानी कि इट मीन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन एसोसिएशन, राइट, उसका जो टूर्नामेंट होना है, उसके द्वारा टूर्नामेंट किया जाएगा AIBA, राइट, जो टूर्नामेंट चलता है, जो कि अप्रैल में आयोजित किया जाएगा, तो उस पैनल की मुखिया बनी है, दैट इज द मैरी कॉम, राइट। मैरी कॉम रिसेंट में AIBA के चेयरपर्सन बनी है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे सकता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा संचालित होगा ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वह है, दैट इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। इज इट क्लियर, समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन पे एक बार जरूर प्रेस करिएगा। ओके शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है, ये नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपको ट्राई करना है। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 100 मिलियन फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट, 100 मिलियन फॉलोवर्स हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो वह कौन सा, इंस्टाग्राम पर, राइट, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं,
कौन सा ऐसा भारत का पहला क्रिकेटर बन गया है? व्हाट इज द आंसर्स, प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मेंशन करिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल मन लगा के देखते हैं। ओके, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट आज कम ही न्यूज़ थी, तो प्लीज अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी तरह का कोई भी पीडीएफ अगर आपके रिक्वायरमेंट है, पढ़ना चाहते हैं जीके को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो पीडीएफ कोई भी हो आप कमेंट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, कोई भी चीज आपको पढ़नी हो तो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।